नमस्कार दोस्तों, मैं राजू मौर्या। मेरा यूट्यूब चैनल हाइड्रोलिक टिप्स में आप सभी का वेलकम है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। T5 के डोजर इंजेक्टर असेंबली दोस्तों, अगर इसका इंजेक्टर खोलना हो तो इसमें टैपिट पुसराट दोनों निकालना पड़ता है जब इंजेक्टर बाहर निकलते हैं। तो चलिए हम इसको खोलना शुरू करते हैं। पहले हम टैपिट कवर खोल लिया है। टैपिट के सारे नट खोल देते हैं टैपिट बाहर काटने के बाद, जब इंजेक्टर निकलेगा इसका। फोर सिलेंडर रखा है इंजन। चलिए दोस्तों, हमने टैपिट बाहर काट लिया। चार इंजेक्टर लगे होते हैं इसमें, इसका टैपिट है। ज़्यादा धुआं दे रही थी इसलिए हमने इसका इंजेक्टर खोल के रिपेयरिंग के लिए भेज देंगे। दोस्तों, हमने और भी वीडियो डाली है हाइड्रोलिक के बारे में। अगर हाइड्रोलिक की जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल को देख सकते हैं। LNT कमस्तो कैट ग्रेडर और भी बहुत हैं वीडियो। इसमें दो वायरिंग लगे होते हैं, इलेक्ट्रिक इंजन है ये। चलिए हम इंजेक्टर बाहर काट लेते हैं इसका। एलंकी वाले नट खोल दिए हैं इसको काटने के लिए थोड़ा। चलिए इंजेक्टर निकल गया। ये इंजेक्टर होता है, इसमें ये लॉक पत्ती होती है, इसमें नट खींचा होता है जो ये भीतर दबा के रखता है इसको, इंजेक्टर को। दूसरा निकाल लेते हैं। इसमें पेचकस दबाना पड़ेगा थोड़ा सा ऊपर की तरफ, फिर आसानी से निकल जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इनमें स्टार एलंकी लगती है दोस्तों।
इंजेक्टर हमने मंगवा लिया था, ये दोबारा फिट कर दिया हमने। चलिए दोस्तों, हमने वायर फिट कर दे रहे हैं, अब टैपिट गुट के नए डाल दे रहे हैं। टैपिट गुट के सारे कट रहे थे, टैपिट में ज़्यादा प्ले हो रही थी। इनका पार्ट नंबर है ये, टू व्हील फिल्स है। आठ गुट के होते हैं उसमें। इसको टैपिट पैड भी बोलते हैं, गुट के भी बोलते हैं, चिड़िया भी बोलते हैं। चलिए पहले हम सारे इसको वॉल पे रख देते हैं, फिर उसके बाद टैपिट फिट कर देंगे इसमें। दोस्तों आप लोग सब वीडियो देखते हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दोगे तो हम जो भी नई वीडियो आओगी आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाएगी। चलिए हमने पैड सारे फिट कर लिए हैं। टैपिट फिट कर देते हैं दोस्तों, और इसका टैपिट मिलाना हो तो 35 और 25 mm पे मिलता है। छोटी टैपिट 25 mm और बड़ी वाली टैपिट होती है वो 35 mm में मिलेगी। टैपिट गेज होता है 25 mm और 35 mm। तो हमने खोला था तो इसका टैपिट तो आउट, टैपिट तो सही थे, मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। अगर टैपिट ज़्यादा ढीला हो तो आप मिला भी सकते हैं। छोटे वाले टैपिट को 25 mm और बड़े वाले जो टैपिट होते हैं उसको 35 mm पे मिलाते हैं। दोस्तों हमने फिट कर दिया, अभी इसको स्टार्ट करके देख लेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।